बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज आपके लिए स्नैक्स में एक बहुत मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपको सिखा रही हूँ आलू और चिकन के कटलेट्स। ये बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, चाय के साथ बहुत ज़्यादा लुत्फ़ देते हैं और आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, तो ये उसके लिए भी काफ़ी अच्छा आइडिया है। तो अगर आप ये मेरी रेसिपी ट्राई करें तो इसकी एक पैक लेके मेरे फेसबुक पेज के ऊपर मुझे इनबॉक्स कर दें, तो मैं आपके नाम के साथ उसे पोस्ट कर दूँगी। और इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमको चाहिए, चलिए आइए सबसे पहले उन्हें नोट डाउन कर लेते हैं। आलू और चिकन के कटलेट बनाने के लिए आधा किलो आलू लिए मैंने, बड़े टुकड़ों में काट लिए, और चिकन मैंने लिए एक पाव बोनलेस है। आप इसके अंदर एक पाव से ज़्यादा चिकन भी ले सकते हैं। जो मसाले हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, उसमें कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, भून के पिसा हुआ धनिया और ज़ीरा दोनों मिला के 1 टीस्पून, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 3/4 टीस्पून नमक या हसबे जायका जो आप जितना आप पसंद करें, 1 टेबल स्पून बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें, 2 टेबल स्पून हल्की प्याज और 2 टेबल स्पून हरा धनिया। इसके अलावा अंडे और ब्रेड क्रम्स इसको कोटिंग करने के लिए चाहिए होंगे, और ऑयल इसको फ्राई करने के लिए। 2 अंडे चाहिए होंगे इसकी कोटिंग के लिए। उसके अलावा हमें 1.5 कप तकरीबन ब्रेड क्रम्स चाहिए होंगे। जब कोटिंग करी होंगी तो मैं आपको दिखा दूंगी। सबसे पहले एक कुकर के अंदर मैं आलू डाल दूंगी, साथ ही चिकन चली जाएगी, तमाम मसाले चले जाएंगे। 1 टीस्पून इसमें लहसुन का पेस्ट जाएगा जो मैं आपको दिखाना भूल गई थी, हरी मिर्चें चली जाएंगी, 1/4 ग्लास पानी जाएगा। इन तमाम चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और अब हम कुकर को बंद कर देंगे, सीटी लगा देंगे। अब हम इसे स्टोव पे चढ़ा रहे हैं और 3-4 मिनट हम इसे सीटी देंगे, तो उसके बाद ये पूरा अच्छे तरीके से गल जाएगा और इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा, तो फिर हम इसे अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। अब कुकर मैंने खोल लिया, तेज़ आंच के ऊपर अगर थोड़ा सा भी पानी रह जाए तो उसे खुश्क कर लें। देखें, सारा पानी मैंने अच्छे तरीके से खुश्क कर लिया। अब हम इसे एक प्याले में निकालेंगे और फिर इसे मैशर से या कांटे से इस तरह मैश करेंगे कि ये बिल्कुल एकदम एक जान हो जाए। तो ये मैंने प्याले में निकाल के कांटे से एक जान कर लिया है। अब इसी वक्त इसके अंदर जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम हरा धनिया मिला देंगे, बारीक चॉप की हुई आल प्याज भी मिला देंगे, मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हम अंडा फेंट लेंगे, ब्रेड क्रम निकाल लेंगे और इनके कबाब बनाएंगे और कोटिंग करके इन्हें फ्राई करेंगे। तो देखिए, कुछ कटलेट मैंने बना लिए हैं। आप राउंड में भी बना सकते हैं, सिलेंड्रिकल, और इस तरीके से भी बना सकते हैं, और अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहते तो आप गोल कबाब की शेप में भी बना सकते हैं। तो किस तरीके से बनाने, मैं आपको एक बना के दिखा देती हूँ। थोड़ा सा मिक्सचर लेके हाथ में उसे इस तरह करेंगे, अच्छे से इसकी शेप देंगे, और इवनली इनके इसको सब तरफ से बराबर से शेप देकर प्लेट में रखते जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, एक कबाब उठाएंगे, अंडे में उसको डिप करेंगे, फिर ब्रेड क्रम से दूसरे हाथ से उसे कोट करेंगे, उसके बाद इसे वापस अंडे में डालेंगे और एक कोटिंग और करेंगे। दूसरी बार फिर हम ब्रेड क्रम से कोट करेंगे, और ब्रेड क्रम से सेकंड कोटिंग के वक्त हम इसको नीट करते जाएंगे। इस तरीके से हम नीट कर लेंगे और एक प्लेट लेके उसके ऊपर रखते जाएंगे, सारे इसी तरीके से कोट करेंगे और उसके बाद हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो मैंने सारे कटलेट्स रेडी कर लिए हैं और ऑयल जो है वो मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। इनको बहुत तेज़
तेल के अंदर फ्राई ना करें, ना ही बिल्कुल हल्के तेल में फ्राई करें। मीडियम हॉट ऑयल के अंदर इनको आपने इतना तेल होना चाहिए कि ये आधे उसके अंदर डूब जाए। ग्राइंड करते थे जब अच्छा गोल्डन कलर आ जाए तो। आप इन्हें रेडी करके फ्रीज भी कर सकते हैं, फ्राई करने के लिए जब भी आपको जरूरत हो आप इन्हें एक डेढ़ घंटे पहले फ्रीजर से निकालें और उसके बाद इन्हें फ्राई कर लें एक डेढ़ घंटे के बाद। तो इन्हें अच्छा सा कलर देते हैं और फिर हम इन्हें किसी एब्जॉर्बेंट पेपर के ऊपर निकाल लेंगे। तो ये बहुत अच्छे नाइसली गोल्डन हो गए। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और आप इन्हें चाहें तो सिंगल कोटिंग भी कर सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रस्टेड पसंद नहीं है। तो हमारे बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी और बहुत ही सिंपल और इजी बनने वाले चिकन और आलू के कटलेट्स रेडी हैं। इसको मैं चिली गार्लिक सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ, लेकिन आप मेरा होममेड केचप भी देख सकते हैं, उससे उसके साथ भी आप इसे सर्व करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा मेरे चैनल के ऊपर काफ़ी सारी चटनियाँ हैं, आप कोई भी चटनी इसके साथ सर्व कर सकते हैं। तो इसे ट्राई कीजिएगा और अपने फीडबैक दीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस कीजिए। इसके अलावा बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मेरा एक फेसबुक पेज है, उसे चेक कर लीजिए। उसके अलावा अपने कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।